बीते दिनों में सुर्खियों में बने रहने वाला खबर डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज कुमार का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा था। आज पंकज कुमार को कोर्ट ने बेल दे दिया है और बेल देने के बाद जो है अधिवक्ताओं में खुशी साफ देखी जा सकती है। तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाइए कि पंकज कुमार के साथ जितने भी अधिवक्ता बार काउंसिल गोरखपुर दीवानी कचहरी के जो अध्यक्ष हैं भानु पांडे, वो भी तस्वीरों में उनको साफ देख सकते हैं और तमाम मंत्री जो बार के हैं उनको भी तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि पंकज कुमार के बेल के लिए ये सभी लोग लगे हुए थे और देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि MLC हैं उनको भी तस्वीरों में देख सकते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह इस मामले को लेकर के आंदोलन भी कर चुके हैं। अभी आपने देखा था कि बीते मंगलवार को उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था टाउन हॉल के पास, महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर उनके के कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में आंदोलन किए कि डॉक्टर अनुज सरकारी पे भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके साथ जो बाउंसर है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके क्लिनिक पे वे सभी जो है पंकज कुमार सिपाही को बुरी तरह से पीटते हैं और इसको लेकर के जो है गोरखपुर में काफी विवाद हमें देखने को मिला। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंकज कुमार का जो बेल है वह वो हो चुका है और बेल मिलने की खुशी में गोरखपुर के जितने भी दीवानी कचहरी के अधिवक्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं, साथ ही साथ जो अध्यक्ष है बार काउंसिल के उनको भी तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही का जो प्रकरण है वो चलता रहेगा, लेकिन आज बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंकज कुमार का बेल जो है अब हो चुका है, अब वो जेल के बाहर आ जाएंगे, उनको बेल मिल चुका है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के हमारी टीम लगातार इस पे काम कर रही है, जो भी अपडेट है वो अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है। बाकी सिपाही और डॉक्टर के बीच का जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।